यार बड़े बड़े व्यापारी हम यार तक दरगाह के नहीं पहुंचने देते जी, तो रोज तक के दलाल खा जाए जी या व्यापारी खा जाए। अच्छा अच्छा, बीच में या तो जो मंडी में दलाल होते हैं जो मनचाही रकम लेते हैं, और जो अच्छे जो पशु हैं उनको अपनी दोनों साइड से पैसे लेके, क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो बनवाई थी, मार्केट के अंदर जो दलाल हैं उन्होंने सारा काम खराब कर रखा। सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो फिर से हम एक युवा पशुपालक के यहाँ से लेके आ रहे हैं, आगे उनका एड्रेस कन्फर्म करवाएंगे और आपको उनसे मिलवाते हैं, क्योंकि हमारा एक प्रयास है कि हर रोज़ रूटीन से हम नए नए पशुपालकों के यहाँ से वीडियोज़ लेके आएँ, ताकि जो एक ही किसी बड़े डेयरी फार्म वाले को लॉन्च करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। तो आगे मैं भाई से आपको मिलवाता हूं और सबसे पहले इनका एड्रेस कंफर्म करवाते हैं। नमस्कार भाई साहब, अपना शुभ नाम क्या है भाई? मंजीत जी। मंजीत, गांव? भैंसवाड़ कला। और आपका जिला कौन सा लगता है? डिस्ट्रिक्ट सोनीपत जी, रोहतक नजदीक है। रोहतक कितनी नजदीक है? अपने 20 किलोमीटर जी। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत लगता है रोहतक से 20 किलोमीटर की दूरी पे इनका गाँव है रोहतक, जो की मुर्रा के लिए काफी मैं कहूंगा कि गढ़ माना गया है। तो आज इनके पास पूछते हैं कितने पशु बिक्री के लिए भाई साहब? तीन भैंस। तो आज इनके पास ये तीन जोटियां जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं भाई साहब। पहले नंबर पे जो ये भैंस है कौन से ब्यात की है? ये जी तीसरे ब्यात की। तीसरे ब्यात की। कितने दिन की ब्याई हुई है भाई साहब? 10 दिन की ब्याई हुई जी। साथ में बच्चा क्या है? कटिया जी। आज कितना दूध तैयार है प्रेजेंट में? 17 किलो दूध। एक बार खोलना इसको, तीसरे ब्यात की 17 किलो दूध तैयार, साथ में फीमेल काफ, बिल्कुल सींग की क्वालिटी है काफ़ी शानदार, आगे से पतली पीछे से चौड़ी, लेकिन अगर हम माइनस पॉइंट कहें तो जो इसकी टेल है वो थोड़ी ज़्यादा वाइट है, लेकिन देखिए जो अडर की क्वालिटी है, जो थनों की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार। काफ़ी कम एज में अच्छे अच्छे पशु आपके समक्ष लेके आ रहे हैं युवा पशुपालक हैं, और यही हमारा प्रयास है कि जितना हो सके जो छोटे पशुपालक हैं उनको हम कैमरे के सामने लेके आए, क्योंकि जो बड़े पशुपालक हैं उनके पास तो ऑटोमेटिकली ग्राहक है वो काफ़ी ज़्यादा पहुंच पा रहा है। तो इनके पास ये 17 किलो दूध तीसरे ब्यात की, साथ में ये फीमेल काफ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की भैंस खुद है उसी तरह की काफ दे रखी है, उतना ही इसका जो टेल है अभी वाइट है, लेकिन जो ऑर्डर है काफ़ी भारी भरकम ऑर्डर, बिल्कुल खुला और पैर के बीच का फंसा हुआ। कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो भाई साहब इससे? ये जी 20 किलो दूध तो आराम से कर देगी, पिछली बार ब्याज की रिपोर्ट है जी 20 किलो की। 20 किलो दूध की पिछले ब्याज की रिपोर्ट इसकी आपके पास है? ठीक ठीक। तो भाई साहब ये दूसरे नंबर पे जोटी है कौन से ब्याज की है? ये दूसरे ब्याज की जी। दूसरे ब्याज की। कितना टाइम हो गया बच्चा दिए इसको? इसने जी 11-12 दिन हो गए। साथ में इसके काफ क्या है? कटड़ा है जी। कटड़ा। और आज कितना दूध तैयार है? 15 किलो। एक बार इसको भी खोलना, देखिए हाइट और लेंथ के मामले में मैं कहूँगा काफ़ी शानदार, छः दांत में इतना भारी भरकम शरीर एक बुल में भी नहीं मिलेगा आपको। 15 किलो दूध आज तैयार है और दूसरे ब्यात में 6 दांत तोड़ रखे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो 2 और 4 दांत है वो दूसरे ब्यात में 6 दांत मानी जाती है, और जो 2 और 4 दांत है वो पशु आपको पहले ब्यात में जो मान्यता लेते हैं। देखिए काफ़ी शानदार क्वालिटी की, बिल्कुल छोटा सींग शरीर पे जम रहा है क्योंकि बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए जो ऑर्डर की क्वालिटी है, पैर के बीच का टाइट और सटीक ऑर्डर है, और इसके साथ में मेल काफ है जो सामने बैठा है, और जो पीठ पुट्ठा है वो काफ़ी चौड़ा, मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, चारों थन बिल्कुल अलग अलग मुट्ठी के आकार की, टैल नीचे से कुछ ही इंच वाइट है। तो भाई साहब इस जोटी से कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो? 17-18 किलो दूध। इसका रेट क्या रखा है आपने? इसका 1,15,000 रुपए। और जो पहले नंबर पे दिखाई है उसका क्या रेट है भाई साहब? उसका भी 1,15,000 रुपए। 1,15,000 रुपए ही उसका रेट रखा है, काफी जो रेट है वो भी काफी रीजनेबल हैं। तो भाई साहब ये तीसरे नंबर पे ये कौन से ब्यात की है? दूसरे ब्यात की। कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? 10 दिन। साथ में इसके काफ क्या है? कटड़ा। साथ में मेल काफ। आज कितना दूध तैयारी का? अब 13-14 लीटर दूध। 13 से 14 लीटर दूध तैयार, साथ में मेल काफ और दूसरे ब्यात की जोटी। एक बार खोलना भाई इसको भी, 6 दांत में दूसरे ब्यात की देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे सींग की और
दांत भी दिखा रहे हैं, काफी शरीफ भाव की जोटी है। नहीं रहने तो कोई नहीं दिखा रही, तो ये देखिए बिल्कुल छोटा सींग है, किसी तरह का कोई सिंगार नहीं। वैसे लाल मूरी भी नहीं डाल रखी भाई साहब, लाल मूरी तो डाल लेते क्योंकि लाल मूरी के जो पशु हैं वो आजकल बोलते हैं महंगे बिक रहे हैं। काफ़ी चौड़े पीठ पुट्ठे की जो आर्डर की क्वालिटी है, बिल्कुल टाइट सा और सटीक आर्डर ले आओ। देखिए सींग से लेके अगर टेल तक हम कहें तो कहीं भी 1% भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। चारों थन अलग अलग बिल्कुल साफ सुथरे, काफ़ी चौड़े पीठ पुट्ठे की। ये देखिए पैर के बीच के जो इस टाइप के आर्डर हैं उनमें दूध का कोई अनुमान नहीं। 20 किलो दूध पे भी इतना ही आर्डर दिखेगा और 15 किलो दूध पे भी इतना ही दिखेगा। तो भाई के पास ये पशु जो बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, भाई साहब इसका क्या रेट है? इसका 95,000 रुपये, 95,000 रुपये रेट। हर पशु का काफ़ी रीजनेबल रेट रखा है क्योंकि इस टाइम में आज हम हर रोज़ सेल परचेज का काम कर रहे हैं, पशुओं के रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो YouTube पे वीडियो बनवाने का कैसे क्या विचार हो गया भाई साहब? बड़े व्यापारी हैं, आड़े तक दरगाह के नहीं पहुंचने देते जी। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया काम करते? अब मैं तो जी अभी करा, ज्यादा घर के ही पशु जी। अच्छा, ज्यादातर घर के ही पशु थे पहले, अभी शुरू किया है। तो आपसे रोहतक दूरी पे है या न रोहतक आपके ज्यादा नजदीक है भाई साहब? तो ग्राहक कैसे क्यों नहीं आ रहे आपके पास? या तो रोहतक के दलाल खा जाए जी या व्यापारी खा जाए। अच्छा अच्छा, बीच में या तो जो मंडी में दलाल होते हैं जो मनचाही रकम लेते हैं और जो अच्छे जो पशु हैं उनको अपनी दोनों साइड से पैसे लेके, क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो बनवाई थी मार्केट के अंदर जो दलाल हैं उन्होंने सारा काम ख़राब कर रखा था, लेकिन यूट्यूब के ज़रिए जो एक आम पशुपालक है उसको डायरेक्ट एक अच्छे ग्राहक से मिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए जो इसके थनों के अंदर झोटी के काफ़ी स्पेस है, तीनों पशु बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मैं वीडियो में भाई का नंबर भी दे रहा हूँ। भाई साहब अपना संपर्क नंबर बताओ। 83 97 97 91 91 88 43 88 43। जो भी पशुपालक इन पशुओं को खरीदना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा वैसे है भाई साहब, अगर कोई बाहर से खरीदे तो? ट्रांसपोर्ट की सब सुविधा इंडिया की। ठीक ठीक, तो जहाँ भी कोई भी पशुपालक पशु लेता है इनके पास पशु भेजने की व्यवस्था है। तीनों पशु काफी उत्तम क्वालिटी के और काफी रीजनेबल रेट में ये पशु इनके पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। जो भी भाई ये पशु खरीदना चाहता है स्क्रीन पे इनका नंबर भी चल रहा है, वो इनसे संपर्क कर सकता है। अगली वीडियो में बहुत जल्द हम किसी और नए पशुपालक के यहाँ से लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जो भाई वीडियो देख रहे हैं सभी को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।